फिर हमने गुवाहाटी से कोलकाता के लिए फ्लाई किया एंड बस कुछ ही देरी के बाद हम कोलकाता लैंड कर गए। कोलकाता ऊपर से सही में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कोलकाता लैंड करते ही अब प्रॉब्लम आ गई कि हमें पता चला कि हमारा जो बैंकॉक का फ्लाइट है वो काफ़ी लेट है। सो हमारे पास काफ़ी अमाउंट ऑफ टाइम था जो कि हमने सोचा कि हम क्या करें, इस टाइम का हम यूज़ कर सकते हैं कोलकाता एक्सप्लोर करने के लिए भी। सो अब प्रॉब्लम आ गई वेयर टू कीप आवर लगेज, क्योंकि इतने सारे लगेज को लेकर आप बाहर नहीं जा सकते। तभी हमें मिला एक अनोखा आइडिया। सो कोलकाता एयरपोर्ट में हम पहुँचे और अभी जो हमारा थाईलैंड का ट्रिप है वो लगभग 9:20 का फ्लाइट है। सो बहुत काफ़ी टाइम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा टाइम हम लोग बाहर निकल जाए और थोड़ा कोलकाता को एक्सप्लोर करें। लेकिन द थिंग इज़ दैट जो लगेज की प्रॉब्लम हो जाती है सबको कि आप लगेज लेकर इतना बाहर कैसे जाएंगे, राइट? और एक बार अगर आप इंटरनेशनल में घुस जाते हैं तो फिर आपको फिर री एंट्री नहीं होगा, है ना? तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो हमने सोचा कि चलो अपना अगर लगेज कहीं रख दे तो वी केम टू दिस। एक्चुअली दिस इज़ रिटायरिंग रूम बुकिंग सेंटर हियर एट द ग्राउंड फ्लोर। ओके, सो यहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ पर आप अपने जो लगेज है वो आप 24 आवर्स के लिए आप रख सकते हो एंड फॉर दैट दे आर चार्जिंग एक लगेज के लिए जस्ट 20 rupees। सो बहुत चीप है, राइट? सो हम लोग अभी अपना जो लगेज है वो यहाँ पर रख रहे हैं एट ₹20। तो चार लगेज है मतलब 80 rupees हमने पे किए हैं और फॉर 24 आवर्स वी हैव द टाइम। 24 आवर्स तो हमें लगेगा नहीं बिकॉज 6:30 हम आके अपना लगेज कलेक्ट कर लेंगे और फिर हम इंटरनेशनल के सेक्शन में जाएंगे और थाईलैंड की तरफ फ्लाई करेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड ना सागर भी थैंक गॉड बोल रहा है और शुभांकर भी आई थिंक थैंक गॉड ही बोल रहा होगा। बहुत बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला। हाँ सही में। इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप लोगों को जो हम लोग ने जितना स्ट्रगल किया तो जितना हम लोगों को परेशानी हम लोगों को उठाया वो आप लोगों को उठाना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी है। बहुत सस्ता। तो अभी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हमने पे किया है ना, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं 3 नंबर गेट के सामने। 3 नंबर गेट से निकलना है, फिर 2 नंबर लिफ्ट के नीचे बेसमेंट में लगेज रूम है, वहाँ पे जाके हम लोग लगेज को डिपोजिट करेंगे और हम लोग कोलकाता की बिरयानी का मजा लेंगे। ये है कुछ इम्पोर्टेंट नंबर जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम पहुँचे, सर ने हमें बताया कि अपना लगेज हम कहाँ रखें। हमने अपना लगेज यहीं पर रखा और हम निकल गए। और निकलने के बाद मैं अपने भैया से मिली जो कोलकाता में ही रहते हैं। देन कोलकाता में भैया के साथ हमने खूब मस्ती की, हमने चाय पी, हमने बिरयानी खाई, देन हमने कोलकाता के सनसेट को एंजॉय किया। फिर हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ बिकॉज हमें आगे चलना था बैंकॉक की तरफ। एंड देन दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता एयरपोर्ट सजा हुआ था, सो फोटो खींची, भैया के साथ सेल्फी ली जो कि मैंडेटरी है। सो एट कोलकाता एयरपोर्ट लगेज दे दिया है एंड अभी सिक्योरिटी चेक इन एंड इमिग्रेशन का काम होने वाला है, सो वी आर जस्ट वेटिंग। और इसके बाद हम सभी वेस्टिजियंस जो कि बहुत सारे आए हैं आसाम से, बहुत सारे कोलकाता से भी आए हुए हैं, सो हम एक साथ मिलकर वेस्टिज की तरफ से अपना थाईलैंड ट्रिप एंजॉय करने जा रहे हैं। हम बहुत अर्ली मॉर्निंग बैंकॉक पहुँच जाएंगे एंड देन वी विल बी ट्रांसफर टू पटाया एंड देन वी विल बी हैविंग इन वेरी। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमने इंडिगो फ्लाइट बोर्ड किया तो बैंकॉक। हम सारे वेस्टिजियंस बहुत एक्साइटेड हैं फॉर दिस यूनिक थाईलैंड ट्रिप। हम थोड़ी देर सो लिए एंड देन वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन दैट इज थाईलैंड। वी हैव रीच्ड बैंकॉक एयरपोर्ट आवर टीम। बहुत अर्ली मॉर्निंग है तो अभी हमने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया है सबने, राइट? और लगेज कलेक्ट करने के बाद अभी बस आएगी और हम यहाँ से पटाया जाएंगे। सो दिस इज़ द वे आवर जर्नी इज गोइंग टू अनफोल्ड। बहुत सारे वेस्टिजियंस अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, सो ऑल इन ऑल हम ये जो 4 nights 5 days का जो ट्रिप हमको वेस्टिज ने दिया है फॉर दिस पटाया ट्रिप थाईलैंड ट्रिप, वी ऑल होप दैट दिस ट्रिप प्रूव्स टू बी अ वेरी हैप्पी वन एंड एवरी वन एन्जॉयज टू विजिट इट। एंड इसके बाद हर को जब वापस जाए तो और दुगनी और तिगुनी तेजी से काम करें। थैंक यू सो मच। वेल।